शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कुछ दिन पहले ही ये बयान सामने आया था, कुछ दिन पहले ही ये आदेश जारी किया गया था कि अगर किसी भी स्कूल ने बच्चों से या बच्चों के अभिभावकों से फीस लेने में जबरदस्ती की तो स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। इसी सिलसिले में अभी थाने और नवी मुंबई की कई स्कूलों की जांच जारी है। अगर दोषी पाए गए तो थाने और नवी मुंबई के उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं अभिभावकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि फीस में तो कोई माफी नहीं दी गई है, लेकिन स्कूलों को ये सख्त निर्देश दिया गया है, अगर फीस में जबरदस्ती की गई, अगर तनाव दिया गया, अगर फोर्स किया गया तो स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।